नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर और साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक्स के ऊपर भी, जिनसे आप चर्चा करके अपने निवेश को और बेहतर बना सकते हैं, सुचारू रूप से अपनी प्लानिंग को आप कर सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं आपके सवालों को लेकर। और साथ ही साथ अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं, सीधे सीधे प्लान करवा सकते हैं हमारे जानकारों से। आस्क आवाज़ योर मनी हमारा हैशटैग है फेसबुक और एक्स पर, आप इसके जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। साथ ही साथ आप 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी सवाल भेज सकते हैं, डिटेल भेज सकते हैं और सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के विकास पुरी सर से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और विकास सर से आज हम बातचीत करेंगे उस चीज़ की जो कि फिलहाल के लिए कॉन्ट्रा मानी जा रही है, यानी कॉन्ट्रा फंड्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे विकास सर से। विकास सर, कॉन्ट्रा फंड आमतौर पर इसका जिक्र कम होता है, क्योंकि इस समय तो ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री जो है वो पूरी पूरी इक्विटी बेस्ड फंड्स, इक्विटी में मिड कैप बेस्ड फंड्स या स्मॉल कैप फेज फंड्स, या बहुत हुआ तो मल्टी कैप फंड्स, यहीं तक ही सीमित रह जाती है बातचीत। तो अब कॉन्ट्रा फंड, इसकी क्या जरूरत आई और क्यों जरूरत आई? धन्यवाद सुमित जी। तो सुमित जी देखिए, दो तरह की इन्वेस्टिंग होती है जनरली, एक ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग होती है और एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो ग्रोथ में जो है निवेशक या फंड मैनेजर्स देखते हैं कि जो वेरी हाई ग्रोथ चल रही होती है, जैसे आप पिछले दिनों देखोगे कि पीएसयू स्पेस में या डिफेंस स्पेस में या रेलवेज में बहुत ज्यादा मोमेंटम बना हुआ था और काफी सारे निवेशकों का रुझान उस तरफ था, फंड मैनेजर्स का भी रुझान उस तरफ था। वहीं दूसरी तरफ वैल्यू में फंड मैनेजर्स या निवेशक देखते हैं कि वो स्टॉक्स जो अभी उनमें वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ देयर पीई और दूसरे पैरामीटर्स में, वो बहुत एक्सपेंसिव अगर नहीं लग रहे हैं तो वो लोग थोड़ा उस तरफ रुझान करते हैं। कॉन्ट्रा जो फंड होते हैं या कॉन्ट्रेरियन, ये बेसिकली कॉन्ट्रा फंड जो है कॉन्ट्रेरियन व्यू से निकला है। तो बेसिकली फंड मैनेजर या निवेशक जिनका एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है। कॉन्ट्रेरियन व्यू क्यों? क्यों अभी आप देखिए मार्केट जिस हिसाब से चली है और जो एक बुल फेज में चल रही है, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं या इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जिनके स्टॉक्स अभी चले नहीं है फॉर एक्स वाई जी रीजन, चाहे वो ग्लोबल रीजन की वजह से हो सकते हैं या डोमेस्टिक मार्केट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो अभी वैसे वो सेक्टर्स या वो स्टॉक्स जो अभी इस रैली का हिस्सा नहीं बन पाए पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चले नहीं होंगे, बट एज कंपेयर टू अदर वो थोड़े से म्यूटेड है। सो ये कॉन्ट्रेरियन व्यू लेते हैं फंड मैनेजर की, अच्छा अब मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें क्यों ना एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया जाए कि वो सेक्टर्स जो अभी तक चले नहीं है और प्रोबेबली हो सकता है एक क्वार्टर या दो क्वार्टर का पेन पॉइंट हो या जो भी परिस्थितियां बदलना चाहती हैं उन सेक्टर्स के हिसाब से, वो अभी बदलने में शायद समय लगे थोड़ा सा, लेकिन फंड मैनेजर्स को या निवेशकों को ये लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है कि वहां हम उन स्टॉक्स का एक बास्केट बना के एक कॉन्ट्रा फंड लेके आए जो कि कॉन्ट्रेरियन है मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए, और आने वाले समय में जब वो सेक्टर्स चलेंगे उनका साइकिल टर्न होगा तो बहुत अच्छी रिटर्न देंगे। तो ये कॉन्ट्रेरियन फंड जो कॉन्ट्रेरियन व्यू है उसको देखते हुए एक कैटेगरी है विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रा फंड। सो आइडिया ये है कि अभी मार्केट यदि बहुत चल चुकी है तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे अभी वो अपसाइड बाकी है जो उन्होंने पहले की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और उस कॉन्ट्रा व्यू को लेके कॉन्ट्रा फंड आता है। तो इसमें लाइक SBI कॉन्ट्रा हो गया, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड हो गया, इस तरह दो तीन फंड हाउसेज के पास में ये कॉन्ट्रा फंड हैं जो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे निवेशकों को ये लगता है कि अभी इतनी हाई ग्रोथ में कौन से फंड ऐड करें, तो एक कॉन्ट्रा फंड भी ऐड किया जा सकता है। तो हाँ विकास सर, एक चीज बताएं, आज की डेट में चुनाव करना कितना मुश्किल है एक फंड मैनेजर के लिए भी और एक निवेशक के लिए भी? फंड मैनेजर के लिए इसलिए क्योंकि जो सस्ता था वो महंगा हो गया, जो महंगा था वो बहुत महंगा हो गया, एक तरफ तो ये है। निवेशकों के लिए क्योंकि पूरा बाजार चला जा रहा है इस समय, चाहे PSU चल रहे हों, चाहे रियल्टी चल रहा हो, चाहे ऑटो चल रहा हो, सब कुछ ही चला जा रहा है, मेटल भी चल रहा है। सो इस समय पर दोनों पक्षों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है अपना अपना कॉन्ट्रा फंड यूज करना? देखिए सुमित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल निवेशकों की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो निवेशक जनरली उतना डीप डाइव नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट्स पे देख लेते हैं कि पिछले एक साल में कौन सा फंड चला, वो उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है निवेश का। इसीलिए फंड मैनेजर्स जब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो अपने फंड मैनेजर्स, उनकी रिसर्च टीम होती है, वो जो पूरा स्टडी करते हैं कौन से सेक्टर्स हैं। और सुमित जी कई बार कैसा होता है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी सेक्टर का ही एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लिया जाए,
कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक सेक्टर बहुत अच्छा चल गया बट उसमें कुछ कंपनीज थी वो नहीं चल पाई फॉर फ्यू रीजंस, और मान लीजिए वो कंपनीज का टर्न अराउंड हो रहा है, उनकी कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने एड्रेस कर दी है, या कोई बहुत हाई कैपेक्स हो रहा था, रेवेन्यूज उतने नहीं आ रहे थे, प्रॉफिट उतना नहीं आ रहा था, अब उनका वो आना शुरू हो जाएगा, यू नो उनके मे बी अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है उनके प्लांट्स जो थे वो बन रहे थे और अब वो तैयार है और अभी उसमें उनका फिनिश्ड मटेरियल मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। तो फंड मैनेजर वो भी स्टडी करते हैं कि कोई सेक्टर अगर बहुत चला गया है, चल चुका है, और उस सेक्टर के कुछ कंपनीज वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई किसी रीजन से, लेकिन अब वो चलने की तैयारी में है या उनको लगता है कि अगले 2-3 क्वार्टर से वो भी अब चलना शुरू हो जाएंगी, तो वो भी एक कॉन्ट्रेरियन व्यू हो गया उनका कि भले ही वो सेक्टर बहुत चल गया तो नॉट नेसेसरी कि मैं अब ये कंपनी नहीं लूंगा क्योंकि वो सेक्टर चल गया है। तो यहाँ पे भी फंड मैनेजर का कॉन्ट्रेरियन व्यू आ गया कि भले ही सेक्टर चल गया लेकिन ये कंपनी ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया और इनके फाइनेंशियल्स और इनकी जो अभी वैल्यूएशन है वो इतनी फेयर है कि अगर कैचअप जिसको हम बोलते हैं कि ये कंपनी जो है वो अपने सेक्टर को कैच करने के लिए वो थोड़ी बहुत चल सकती है, तो वो भी एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है। तो इसलिए ये मुश्किल है, काम है, ये इतना इजी नहीं है कि आप कोई सा भी फंड जो है वेबसाइट पे देखा, आपने पिछला रिटर्न देखा और सिलेक्ट कर लिया। जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका अंडरलाइंग एसेट क्या है, कौन सी स्टॉक बास्केट है, क्या उनके सेक्टर्स की एलोकेशन है, वो देखना बहुत जरूरी है सुमित जी। तो विकास सर, जो कॉन्ट्रेरियन फंड है इसको मैं अगर कंपेयर करूं विजाविस फंड, विजावी यानी कि आप इक्विटी बेस्ड फंड्स में जाइए जिसमें आप अभी थोड़ी पहले हम चर्चा कर भी रहे थे, ग्रोथ ओरिएंटेड हो या वैल्यू ओरिएंटेड हो, सो इनके कंपैरिजन में कॉन्ट्रेरियन फंड के रिटर्न या कौन सा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, सो ज़्यादा बेटर क्या सिचुएशन क्रिएट करता है रिटेल निवेशकों के लिए? देखिए सुमित जी, यदि कोई आदमी 2-3 साल का व्यू लेके चल रहा है तो उनको ग्रोथ ओरिएंटेड जो मल्टी कैप फंड्स हो गए या ऑल वेदर फंड्स भी हम उनको बोलते हैं, वो फंड्स उनके लिए ज्यादा कारगर है। लेकिन यदि किसी का एक लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि अगर आप ये कॉन्ट्रा फंड का लॉन्ग टर्म देख लें, अगर 5-10 साल का हिस्ट्री देख लें, तो ये दूसरे जो ऑल वेदर फंड्स हैं उनसे कहीं पीछे नहीं है, बल्कि कुछ जगह पे इनका रिटर्न सुपीरियर भी है। तो जैसे अभी हम SBI कॉन्ट्रा की या इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड की बात कर रहे थे, तो इनके भी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे 5-10 ईयर पीरियड में, दे आर एट पार विद एनी गुड फंड्स। तो ये निवेशक को भी देखना जरूरी है कि उनके पास वो समय होना चाहिए, बिकॉज कॉन्ट्रेरियन व्यू है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क टाइम का है कि यदि मान लीजिए वो जो सेक्टर्स या स्टॉक्स चले नहीं है और फंड मैनेजर को ये व्यू लगता है कि वो चलेंगे, लेकिन वो चलने में यदि टाइम लिया उन्होंने, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम करेक्शन, सो उसमें प्राइस करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, टाइम करेक्शन, सो टाइम करेक्शन का मतलब ये हो गया कि निवेशक को इंतजार करना पड़ेगा उस सेक्टर का साइकिल टर्न होने में। यदि उनके पास समय है 1-2 साल के लिए, उनको कोई जल्दी नहीं है, तो ये बहुत अच्छे फंड्स होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं जी। चलिए, तो एक बहुत हद तक डिटेल्स जो हैं वो क्लियर होते हुए दिखाई पड़ रही हैं आपको कॉन्ट्रेरियन फंड को लेके, कैसे इस फंड का चुनाव करना है और कौन कौन से कॉन्ट्रेरियन फंड्स हैं जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हो, क्यों इनकी ज़रूरत है। लेकिन आगे इस पर और बात करें उससे पहले कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। आर के तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। तिवारी जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है जो फंड का है, उसमें 7 फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 40,000। ओके, ठीक है, तो अनदर 10 ईयर्स में मैं 2 करोड़ का मेरा ये होना चाहिए एक्युमुलेशन, तो ये है, और अनदर 10,000 मैं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, एक मुश्त में या थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए? नहीं, वो SIP के थ्रू ही। SIP के थ्रू ही, ओके। हाँ, तो आइदर जो परजेंट फंड या एक और भी कोई अगर फंड लेना हो तो मुझे आप सजेस्ट कीजिए। ओके, और सेकेंडली मेरा NPS में भी अराउंड 36,000 पर मंथ जाता है। ओके, ठीक है, उसका अभी वैल्यू अराउंड 36 लाख के आसपास है। ओके, तो अनदर 10 ईयर्स इसमें भी थोड़ा बहुत स्टेप अप होगा ही, तो क्या इसका क्या वैल्यू बन जाएगा? चलिए, तो विकास सर, इन्होंने सिर्फ 2 करोड़ के कॉर्पस की बात की है, जिस तरह का निवेश है और जिस तरह से निवेश बढ़ा रहे हैं, 2 करोड़ तो शायद इजीली अचीवेबल दिखाई पड़ रहा है मुझे इनके लिए। आप क्या राय रखते हो? 40,000 रुपये की SIP है, इसमें 10,000 रुपये की SIP है और कर सकते हैं, तो क्या एग्जिस्टिंग फंड्स में करें या नए फंड्स में करें? 40,000 की SIP से क्या 2 करोड़ का, या 50,000 की SIP से क्या 2 करोड़ का लक्ष्य साध पाएंगे? ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो 31 लाख पहुंच चुका है, क्या करना चाहिए? तिवारी जी, 2 करोड़ तो आपने बहुत ही कम अपने लिए वो रखा है टारगेट, ये तो आपका
एग्जिस्टिंग कंडीशन में ही यदि आप 10 साल ये कंटिन्यू करते हैं जो अभी कर रहे हैं, तो लगभग 4 करोड़ तो आपका वैसे ही बन जाएगा। जैसे आपका एनपीएस है, मैं एनपीएस को अगर बहुत लोअर साइड पे 8.5% की रिटर्न से भी लेके चलता हूँ तो भी आपका 1.5 करोड़ का कॉर्पस ये बन जाएगा, बिकॉज आपका ऑलरेडी 37 लाख के आसपास बन चुका है। उसके अलावा आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी 30 लाख के ऊपर है, उसका प्लस जो 40,000 की सिप कर रहे हैं और 10 आप ऐड कर सकते हैं, यदि मैं उसको भी एक प्रोजेक्टेड फिगर लूँ 12% के हिसाब से, तो 2.5 करोड़ के आसपास आपका वो भी कॉर्पस बन जाएगा। तो आई थिंक गोल अचीविंग में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो फंड सिलेक्शन है आपका वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और 7 फंड से ज्यादा आप और ज्यादा फंड मत ऐड करिए। आपका जो एग्जिस्टिंग फंड्स है, आप जैसे उसमें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है या SBI का कॉन्ट्रा फंड है, जब कॉन्ट्रा फंड की आज बात कर रहे हैं, और मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है आपका मिड कैप का, उसी में ही आप और 10,000 रुपए टॉप अप कर दीजिए रादर देन एडिंग मोर फंड। बट तिवारी जी, मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये था कि आप एनपीएस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो के सिनेरियो को देखते हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप एनपीएस को कट डाउन करिए, बिकॉज एनपीएस में अगर आप एन्युटी लेते हैं तो एन्युटी आपकी पूरी टैक्सेबल रहेगी आपकी टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से। तो और रिटर्न भी अगर आप देखेंगे जो आपके दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं एनपीएस को बीट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो मेरा ये मानना है कि जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपने जो ले रखे हैं, हमने तो 12% की कैलकुलेशन से किया है, ये सारे फंड जो है वो 15-16-17% के ऊपर की CAGR दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में यानी 5 से 10 साल का भी अगर आप होराइजन देखेंगे तो 17-18% मेंटेन कर रहे हैं। तो उस केस में क्यों ना पोर्टफोलियो के यील्ड को बढ़ाया जाए, एनपीएस को आप 15 या 20 हजार तक कर सकते हैं, बाकी का जो 15-16 हजार आपका बचता है वो आप जो ऊपर के जो आपके फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स, उसमें आप सिप का अमाउंट बढ़ाइए अपना। सो एक ये मेरी तरफ से इनपुट रहेगी। तो आपके लिए थोड़े बहुत बदलाव, और ये बात सही है कि आपका एनपीएस की 40,000 की SIP और 36,000 कैसे अगर एनपीएस है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि आपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा वहाँ दे रहे हो, तो थोड़ा सा उसे आप कम कर सकते हो, बाकी आप इजीली अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं। अब राजस्थान चलते हैं, वहाँ पर करमवीर जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। करमवीर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर, मैं आपके मार्केट पंचनामा और सुबह अनुज सिंगल जी का प्रॉपर डेली आपका व्यूअर हूँ सर। सबसे पहले CNBC का थैंक यू। थैंक यू करमवीर जी, देखने के लिए, सराहने के लिए, बने रहने के लिए। जी जी सर, आपका बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू सर। जो मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो जो SIP भेजी है सर, उसके बारे में मेरा व्यू जानना है सर। जो मैं ये पिछले 6 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने जब से SIP स्टार्ट की है उसमें मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया है सर, कंटिन्यू चल रहा है। तो बस मेरा SIP के बारे में मेरा एडवाइस लेना है सर कि कंटिन्यू करूँ या कुछ चेंजेस। तो करमवीर जी, क्योंकि आप बाजार भी देखते हैं, एक्टिवली मार्केट भी सुबह ट्रैक करते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप शायद बाजार को अच्छे से समझते हैं और फॉल में अपनी SIP बढ़ा भी सकते हैं, किसी मुश्त पैसा भी डाल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन को आप समझ लेते हैं आराम से, राइट? जी जी सर, लेकिन सर अभी SIP कंटिन्यू, उसमें लमसम वगैरह ऐड नहीं किया है सर। फेयर एनफ, वो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने जो टारगेट हमें दिया है कि आप 20 साल में 5 से लेके 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध रहे हैं, राइट? जी सर। ओके, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करमवीर जी आपकी सभी हौसला अफजाई के लिए। विकास सर, इन्होंने 35 साल की उम्र में ऑलरेडी ये 32,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, और क्योंकि इनका पोर्टफोलियो 38 लाख का है तो इन्होंने शुरू भी बहुत अच्छे समय पर किया था, और एक विद टाइम अच्छी SIP को कंटिन्यू भी कर रहे हैं। इन्होंने पिछले एक 10-1 साल में उतार चढ़ाव भी देख लिए होंगे बाजार के, और उसको भी इन्होंने फॉलो किया है। सो अच्छी चीज़ तो यही है। दूसरा, 20 साल में 5 से 7 करोड़ का लक्ष्य है, जो कि बहुत अनरीजनेबल नहीं है, रीजनेबली पॉसिबल है। आप क्या राय रखते हैं इनके पोर्टफोलियो को देख के, क्या करना चाहिए? इन्होंने कभी SIP बंद नहीं किया, एक ये सबसे अच्छी चीज़ है, और फंड्स में बदलाव नहीं किया, ये अच्छी भी है और बुरा भी है, वो अब आप देख के बताइए कैसे। करमवीर जी बहुत बहुत बधाई, और आपने जैसे खुद ही बोला कि CNBC के शोज देख के आप जो भी ज्ञान लेते हैं उसका यूज आपने अपने पोर्टफोलियो में किया, और इसीलिए आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट मैं अगर 12% की दर से लूं तो आपके करंट सिचुएशन में आपका अगले 20 साल में 7 करोड़ इजिली पूरा हो जाएगा। और यदि मैं अगेन ये बोलना चाहूंगा कि जो फंड्स आपने लिए हैं वो 12 नहीं बल्कि बहुत अधिक परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो 11-12 करोड़ का भी हो सकता है बहुत इजीली। इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड वो नहीं बता रहा हूँ नंबर्स, बहुत इजीली आप 11 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। छोटी सी ऑब्जर्वेशन सिर्फ इतनी है करमवीर जी कि अभी जो जिस हिसाब से मार्केट चला है
मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा अपना स्मॉल कैप फंड्स जो है उसका कट डाउन करिए एक्सपोजर। तो जैसे एक्सिस का आपका स्मॉल कैप है तो एक्सिस में ही बने रहें, लेकिन एक्सिस का मल्टी कैप ले लीजिए। अब होता है क्या है कि एक्सिस के मल्टी कैप में आपको स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उससे बाहर जा रहे हैं। उसी तरीके से जैसे आपका दूसरा फंड है आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आदित्य बिरला स्मॉल कैप को भी आप बंद करें। आप विड्रॉ मत करिए, जो आपने निवेश कर दिया उसमें बने रहें, बट आप आदित्य बिरला का जनरेशन नेक्स्ट फंड, जेन नेक्स्ट फंड बोलते हैं उसको, वो ले लीजिए। तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड अप्रोच लीजिए इन टर्म्स ऑफ मल्टी कैप, जो अप्रोच जिसको हम बोलते हैं उस रूट से जाइए, बिकॉज पिछले 2-3 साल में पैसा बहुत अच्छा बना है और उस पैसे को अभी जो एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप में थोड़ा कट डाउन करना चाहिए आपको। बाकी आपकी फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी मुझे, सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका ये टारगेट पूरा होने में। तो करमवीर जी बढ़िया निवेश है और बढ़िया से आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, आप कैरी करिए, थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनको आप देखते रहिए, समय समय पर थोड़ा रिव्यू भी करिएगा वो भी ज़रूरी है, और आपके इन्वेस्टमेंट के गोल्स भी इजीली अचीव हो जाएं, ऐसी उम्मीदें ऐसी कामनाओं के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बाकी साफवान पटेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरह। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब प्रवीण कुमार जी मौजूद हैं ओडिशा से, ये हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मुझे जानना था विकासपुरी साहब से कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है अपना फंड्स का, उसमें मैं स्किप करता हूँ 50,000 पर मंथ का, और मेरा हॉरिजन है 10 ईयर्स में 5 करोड़ का। तो पहली चीज है मेरे को पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, वेदर ये ठीक है या मैं को कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं 10 से 20 हजार रुपए सिर्फ बढ़ा सकता हूँ, तो सर से एक्सपेक्टेड है कि वो बताएंगे कुछ और फंड्स जिसमें मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो प्रवीण जी आप समय अवधि नहीं बढ़ा सकते, आप SIP बढ़ा सकते हैं, राइट? यस। चलिए तो विकास जी 50,000 रुपए की SIP ऑलरेडी ये कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का एग्जिस्टिंग वैल्यू 50 लाख पहुंच चुका है, 10 साल में 5 करोड़ का एक लक्ष्य साध के चल रहे हैं, 10 से 20 हजार रुपए की SIP और बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग फंड्स में करें नए फंड्स में करें, और क्या ये 5 करोड़ का जो ये कॉर्पस है क्योंकि ऑलमोस्ट ये पहुंच तो जाएंगे उसके आसपास, आप क्या राय रखते हो? जी प्रवीण जी आपको भी मैं बहुत बधाई दूंगा कि आपके भी फंड सिलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच आपने लेके रखी हुई है, आपके पास में ब्लू चिप भी है, आपके पास में मिड कैप फंड्स भी हैं, आपने गोल्ड का भी एक्सपोजर लिया हुआ है, सो आपने बहुत ही अच्छे इवनली तरीके से इसको चलाया। हालांकि आपने एक शेयर किया है कि आप HSBC का आपने कोई एक फंड है जिसमें एक मुश्त किया हुआ है, यदि आपको सिर्फ बढ़ानी है तो बस वो HSBC के फंड में ही बढ़ा दीजिए और फंड्स ऐड मत करिएगा। आपका ये ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, इसमें बस अपना निवेश जो भी सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं उसको ही ऐड करते रहिए। जो टारगेट की आपने बात की थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस लगा मुझे, क्योंकि 10 साल में यदि आपको 5 करोड़ तक पहुंचना है तो रफली 1-1.5 करोड़ के आसपास का शॉर्ट पड़ेगा आपका टारगेट। या तो आप अपना अवधि 13 साल करिए, जो अगर आपने बोला कि मैं 13 साल नहीं कर सकता हूं, तो फिर आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की SIP करनी पड़ेगी कि आप 5 करोड़ जो है इजिली अचीव कर लें। हो सकता है आप यहां से 50 के बदले में 80,000 की सिप करें तो भी वो शायद 5 करोड़ पहुंच जाए अगले 10 साल में, बिकॉज जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ चल रही है तो आई एम श्योर कि वो शायद 80-85 हजार की सिप से भी पहुंच जाएगा। बट एक होता है कि बहुत कंफर्टेबली पहुंच जाए कि बीच में अगर 1-2 साल खराब भी आए तो भी आपका वो लक्ष्य जो है वो पूरा आप उसको अचीव कर पाए। इसके लिए मैं ये अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप उसको 1 लाख तक का सिप करिए, और अदरवाइज जितना बढ़ा सकते हैं उतना आपके लिए इजी होगा टारगेट अचीव करना। तो आपके लिए प्रवीण जी राय यही है कि आप थोड़ा थोड़ा SIP बढ़ाते जाएं जितना बढ़ा पाएं, क्योंकि जो रीजनेबल नंबर है वो तो 1 लाख के आसपास होगा, लेकिन चलिए फिर भी आप जितना बढ़ा पाएं उतना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है ताकि आप कंफर्टेबली अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। थोड़ा थोड़ा आप लक्ष्य या तो बढ़ा के 10 से बढ़ा के 13 कर दिए, इफ इन पॉसिबल तो इन दोनों में से कोई फेरबदल कीजिए, बाकी आपका मोर लेस पोर्टफोलियो सही है। एक सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है, प्रभात जी का सवाल है चंबा हिमाचल प्रदेश से, इनकी करीब करीब 17,000 रुपये की SIP है और पोर्टफोलियो 9.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है, 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य ये साध के चल रहे हैं, पोर्टफोलियो और फंड का एक रिव्यू मांग रहे हैं विकास सर आपसे। कैच यहां पर भी वही है विकास सर की, इनके पास भी समय अवधि या तो ये बढ़ाएं या अपनी SIP बढ़ाएं, तभी एक बार को ये इजीली अचीव कर पाएं, क्योंकि इनका ईमेल है और बात नहीं हो पा रही है,
तो ये भी हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है कि SIP में स्टेप अप कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन दोनों सिनेरियो में अगर स्टेप अप करते हैं तो भी या नहीं करते हैं तो भी, आप क्या राय रखते हो? सुमित जी, वही हो गया कि इनका जो टारगेट है 1 करोड़ का, तो अगर मैं कैलकुलेशन लेता हूँ इवन 15% की CAGR की, तो इनका रफली 85 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो बनेगा। हालांकि इनके भी फंड सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं। तो सुमित जी, मैं हमेशा ये आपको भी कॉम्प्लीमेंट जाता है आपके चैनल को कि जितना आप बार बार लोगों को एडुकेट करते हैं, तो फंड सिलेक्शन अभी बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी होने लग गई है लोगों की। और एक और मेरी ऑब्जर्वेशन थी सुमित जी की, पहले आप मुझे काफी टाइम से मौका देते हैं यहाँ पे निवेशकों के साथ रूबरू होने का, लोग 15-15, 16-16 फंड्स लेके आते थे, अब एक ट्रेंड आ गया कि लोग 7-8-9, हायर साइड पे 10, बट उससे नीचे ही रहते हैं फंड्स लोगों के। तो ये आपकी भी एक सक्सेस है आपके चैनल की कि किस तरीके से लोग आपके सलाह को मान के फंड नंबर ऑफ फंड्स कम कर रहे हैं और फंड सिलेक्शन भी अच्छा हो रहा है। तो इनको यही है कि 1 साल के लिए अगर अपना टारगेट थोड़ा बढ़ा दें, 10 के बदले 11 कर लेंगे तो इजिली टारगेट अचीव हो जाएगा, या फिर 5,000 रुपए का अगर सिर्फ ये बढ़ा लेते हैं तो भी बहुत कंफर्टेबली इनका टारगेट पूरा हो जाएगा। जी विकास जी, वैसे इसमें खाली हमारा ही योगदान नहीं है, आप लोगों का भी योगदान है, आप लोग अवेयरनेस फैला रहे हो और आज से नहीं दशकों से आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हो और रिटेल निवेशकों को समझा रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी करते हो। इसीलिए आप अंतर देखिए, जब सवाल आते हैं तो कहीं चंबा जैसी जगह हिमाचल प्रदेश में से लेकर उड़ीसा तक, यानी कि आप एक्सट्रीम कॉर्नर्स जो हैं देश के उन हिस्सों से सवाल आते हैं, कभी कश्मीर से, कभी चेन्नई से। सो इस तरह के देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सवाल पूछते हैं, ये दिखाता है कि किस तरह से जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी और शेयर निवेशकों का भी। सो ये एक अच्छी चीज़ है और जितना विस्तार उतना अच्छा है हमारे लिए। अब एक और सवाल आया है साफवान पटेल साहब का, सवाल है इनकी उम्र 32 साल की है और ये 20,000 की SIP कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वैल्यू करीब करीब 4.5 लाख इनकी है और पिछले 2 साल से निवेश जारी है, यानी कि 30 साल से निवेश कर रहे हैं और 15 साल में कितना कॉर्पस पहुंच जाएगा। तो मतलब विकास सर, ये तीसरी एप्रिसिएशन वाली चीज़ है कि इस उम्र में, मतलब 32 साल की उम्र में 2 साल से निवेश कर रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा 20,000 रुपये का SIP कर रहे हैं। हमारे मतलब इफ़ आई गो बैक टू माई टाइम, तो उस समय पर तो शायद इस तरह की ना नॉलेज थी ना इस तरह के एवेन्यूज़ खुले हुए थे, उस समय तो शायद डीमैट अकाउंट भी नहीं होते थे, तो डीमेटलाइजेशन हुआ ही हुआ था और फिजिकल कट समय चलता था वो शेयर मार्केट में भी, तो उस ज़माने से लेके अब तक इतना बदलाव आ चुका है। सो आज अप्रिसिएशन इस चीज़ का भी है कि लोग कितनी जल्दी अवेयर होते हैं फिनेंशियल मार्केट्स को लेकर और कितनी जल्दी बड़े बड़े कदम उठाते हैं। सो आप क्या कहोगे, अब क्या करना चाहिए इनके पोर्टफोलियो में? सो अगेन सुमित जी, सफवान जी का भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, तो मैं उनको जबरदस्ती स्कीम्स चेंज करने के लिए कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। उन्होंने ये पूछा है कि क्या मैं 1 करोड़ अचीव कर लूंगा, तो सुमित जी जनरली हम जब बताते हैं 15-15-15 वाला फॉर्मूला कि 15 साल के लिए यदि 15,000 की सिप करते हैं और कोई फंड 15% की CAGR देता तो 1 करोड़ बन जाता है, और ये तो 15 से ज्यादा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 17,000 की सिप, फंड सिलेक्शन इनकी बहुत अच्छी है। सो यदि ये इसी तरीके से चलते रहे, 20,000 का जो इनका सिप चल रहा है, तो रफली 1,75,00,000, 1,80,00,000, 15% की अगर दर से इनका पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो ये इजीली अचीव कर लेंगे। पर मैंने, क्योंकि शुरू से ही शो में हम यही बात कर रहे हैं सुमित जी, जो फंड्स इनके हैं अगर आप उनका 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें या 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो 15 से कहीं अधिक CAGR से बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये 2.25 करोड़ के बदले 2 करोड़ का भी पोर्टफोलियो इनका हो सकता है, उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। ये अपने फंड्स आप सफवान जी कंटिन्यू रखिए, और आपका जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है आप अपने सिप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो आपका कॉर्पस और भी बड़ा बन सकता है। तो आप धीरे धीरे अपना कॉर्पस बढ़ाते जाइए, स्टेप अप करते जाइए, फंड सिलेक्शन आपका अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि जो आप SIP बढ़ाओगे और स्लोली एंड स्टेडली अगर आप SIP का फ्लो बढ़ाते जाते हो तो आपके लिए एक ज़्यादा बेहतर सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा विकास सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड। सो अभी सुमित जी, यदि कोई नए निवेशक है और उनको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो हम काफी समय से अब ये बोल रहे हैं कि अब आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप अप्रोच के थ्रू आइए, तो उसमें HSBC मल्टी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन है, बजाज फिनसर्व का एक फ्लेक्सी कैप फंड है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज अच्छा फंड है, और एक टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा है। तो ये जो हमने जो रिकमेंडेशन दिया है वो सुमित जी ये दे के दिया है कि आप इसमें ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप का तड़का या स्मॉल कैप का एक्सपोजर नहीं है, वो भी मिलेगा, मिड कैप का भी मिलेगा, लार्ज कैप का भी मिलेगा, और फंड मैनेजर परिस्थितियों को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस करते रहेंगे। तो
इन्वेस्टर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये फंड्स ले लीजिए और फंड मैनेजर्स पे छोड़ दीजिए और अच्छे फंड की उम्मीद कर सकते हैं आप यहाँ से। तो HSBC का मल्टी कैप फंड, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इक्विटी का फंड और टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये चार नाम आपको बताए गए हैं। इनमें ज़्यादातर सब के सब वो हैं जिनमें मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इनको चुना गया है क्योंकि एक बड़ी तेज़ी हम मार्केट में ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप में देख चुके हैं। सो शायद उस ओवर हीट को ईज आउट करने के लिए विकास सर ने इस तरह के फंड्स का चुनाव किया कि अगर बाजार में गिरावट आती है तो ये आपको एक बफर का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज भी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, आज के हमारे टॉपिक के ऊपर अपना व्यू रखने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।